हे गाइस, दिस इज एग्जॉटिक गेमिंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में बात करने वाली जिगल मूवमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा था कि यार एक जिगल पे प्रॉपर वीडियो बनाओ कि हमें जिगल कैसी करनी चाहिए और हमारी जिगल उतनी फास्ट नहीं होती और जिगल करते हुए एम नहीं कर पाते वगैरह वगैरह, मैंने सारी पॉइंट इस वाली वीडियो पे कवर करी। तो इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप लोगों को मैंने वीडियो के शुरू पे एक क्लिप शो करी थी, तो उस वाली क्लिप पे आप लोग बंदे की जो जिगल देख रहे थे आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एक्चुअली वो बंदा मैं ही था, मैं अपने फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को अपनी जिगल दिखा रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी ऐसी जिगल कर सकते हो। तो इसके लिए चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे, वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स बता देता हूं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है जिगल के टाइम पे। मिस्टेक नंबर वन ये है कि काफ़ी सारे बंदे यही मिस्टेक करते हैं कि भाई जॉयस्टिक को इतनी फास्ट मूव करते ना, सोचते हैं कि भाई उनकी जिगल काफ़ी अच्छी होती है। तो देखो भाई, इससे क्या होता है ना कि भाई हाफ जिगल हो रही, पूरी जिगल नहीं हो पा रही। देख रहे हो अभी मेरी जॉयस्टिक, मैं बिल्कुल ही जॉयस्टिक के एंड टू एंड नहीं जा रहा हूँ। तो देखो इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि इससे हम एक ही जगह पे जिगल करते रहते हैं। इससे आप लोग एग्जांपल देख लो, इससे ये होता है कि अभी मैं देखो जॉइंटिक को इतनी फास्ट मूव कर रहा हूँ, मैं उस बंदे की क्रॉस एयर पे हूँ, तो भाई वो बंदा मुझे ईजिली ट्रेस करके मार देगा उसकी एम अगर एक जगह पे रहेगी। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी। तो हमारी मिस्टेक नंबर टू ये है कि आप लोग रैंडमली जॉइंटिक को भाई ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ पे कहीं भी मूव मत करना, नहीं तो इससे भी आप लोगों की जिगल सही से नहीं होगी और आपको बंदा ईजिली ट्रेस करके किल कर देगा। जैसे देख रहे हो मैं कभी राइट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट टॉप कॉर्नर जा रहा हूँ, कभी लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट टॉप कॉर्नर जा रहा हूँ, तो इससे जिगल सही से नहीं होती। तो आप लोगों को मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इससे होता क्या, देखो मूवमेंट क्या हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बंदा काफी ज्यादा अटक रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हमारी पिंग काफी ज्यादा हाई हो गई। तो आप लोगों को ये वाली मिस्टेक भी अवॉइड करनी है। एंड हमारी मिस्टेक नंबर थ्री, कुछ बंदे करते क्या है कि वो अपनी जॉइंटिक को राउंड राउंड रैंडमली मूव करते रहते हैं, सोचते कि उनकी मूवमेंट सबसे अलग होगी और उनकी जिगल इतनी खतरनाक होगी सामने वाला बंदा जिगल देखकर ही डर जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग अगर ये वाली मिस्टेक भी करते हो तो इससे क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली। तो देखो अभी मैं जॉइस्टिक को राउंड राउंड मूव कर रहा हूँ, तो देख रहे हो यहाँ पे मेरी मूवमेंट तो हो रही है बट यहाँ पे एक ही जगह पे मैं मूव कर रहा हूँ, तो बंदा मुझे इजिली ट्रेस करके इसमें भी किल कर देगा। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रॉपर जिगल कैसे देनी है। तो आप लोगों को ये जॉइस्टिक के सेंटर पे जो ये ब्लैक डॉट दिख रही है सर्कल वाली, आप लोगों को इसी सर्कल डॉट को क्या करना है, जॉइस्टिक की पूरी कॉर्नर तक लेकर जाना, लेफ्ट पे पूरी कॉर्नर ले जाना फिर राइट पे पूरी कॉर्नर ले जाना। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट जिगल होगा। तो मेनली बंदे मिस्टेक क्या करते कि ये जॉइस्टिक को लेफ्ट राइट तो मूव करते बट इतनी फास्ट करते कि ये प्रॉपरली कॉर्नर से कॉर्नर नहीं जाता। तो अब देखो मेरी जिगल कितनी सही हो रही है, फिलहाल जिगल तो सही हो रही है बट उतनी फास्ट नहीं हो रही। तो आप लोग अपनी जिगल को कैसे फास्ट कर पाओगे, इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को मैं ड्रिल्स बता देता हूँ जिससे आप लोगों को अपनी जिगल की स्पीड और जिगल इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। तो हमारी फर्स्ट ड्रिल के लिए आप लोग इस वाली टेबल के पास आना और इस वाली टेबल की एज टू एज तक आप लोग जिगल करना। आप में से काफी सारे बंदे पूछते ना कि हमें कितनी लंबी जिगल करनी चाहिए, तो आप लोग ये जो टेबल की जो विड्थ है जितनी, आप लोगों को सिंपली उतनी ही लॉन्ग जिगल करनी है और ये सारी बोर्ड को आप लोगों को जिगल करते हुए गिराना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों की एम और जिगल की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये वाली ड्रिल को आप डेली 5 मिनट प्रैक्टिस कर लेना। एंड आई बटन पे एक वीडियो आ रही है, आप लोग वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना कि कौन सी जिगल ज्यादा इफेक्टिव होती है क्लोज रेंज में, मैंने वो भी बताया है। तो हमारी सेकंड ड्रिल में आप लोगों को ये जो सामने मूविंग बोर्ड दिख रही, इन सारी ही मूविंग बोर्ड को आप लोगों को एक स्प्रे में गिराना पड़ेगा। आप लोग पहले इसे स्कारेल से प्रैक्टिस करना क्योंकि स्कारेल की बुलेट स्पीड ज्यादा होती है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और आप लोग प्रॉपरली जिगल भी मेंटेन करना जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग जब स्कारेल से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर उसके बाद आप लोग M4 में स्विच कर लेना। एंड इस वाली ड्रिल को भी ना आप लोग डेली 5 मिनट प्रैक्टिस कर लेना, इनफ है। फिलहाल ये सारी थी ड्रिल जो आप लोगों की हिप फायर और जिगल इंप्रूव करने में काफी हेल्प करेगी। तो अब आप में से काफी सारे बंदे सोचते होंगे कि यार मैंने जॉयस्टिक की कोई साइंस नहीं बताई जिससे यार हमारी जिगल वगैरह फास्ट हो जाए। तो देखो जॉयस्टिक की साइंस के लिए आप लोग ना जो आई बटन पे वीडियो आ रही है वो वाली चेकआउट कर लो, क्योंकि मैंने जॉयस्टिक के रिगार्डिंग जितनी भी डाउट थी वो सारी कुछ मैंने उस वाली वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर आप लोग जिगल अच्छा करते बट आप लोगों की एम उतनी अच्छी नहीं है या फिर आप लोग हेडशॉट नहीं कर पाते हो कनेक्ट जीएल के टाइम पे, तो अगर आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों के सामने ये वाली प्लेलिस्ट दिख रही है, ये वाली चेकआउट कर लो या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना।